हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज रियल ब्लॉग्स पर। आज फिर से मैं अपने दोस्त के बगीचे में आया हूं और आज मेरे साथ इधर देखिए कोई और भी हैं, शायद इनको आप लोग पहचानते भी होंगे, वही कुणाल सर ज्योग्राफी वाले। और आज हम लोग थोड़ा सा यहीं पे मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए कुछ जो कुणाल सर कुछ ज़रा बताइए ज़रा दर्शकों को ज़रा। देखिए बिल्कुल ये प्राकृतिक वातावरण में हम लोग एकदम यहाँ पर बगीचे में एंजॉय ले रहे हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वैरायटीज बहुत सारी वैरायटीज के यहाँ पर आम आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि मालदह क्वालिटी का आम है। और आगे आप और इसमें लेकिन एक चीज है कि मतलब जो खुशबू है ना, अभी से खुशबू आ रहा है एकदम और बड़ा मस्त लग रहा है ना। हाँ, खुशबू तो आप देखिए कि यहाँ पर आप बिल्कुल स्वादिष्ट ये आम है और आगे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे आम यहाँ लगे हुए हैं। और इधर देखिए जो हमारे जो एक दोस्त है इधर देखिए, मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि जरा कुछ वीडियो में जरा हमारे दर्शकों के लिए जरा कुछ बोलो, तो कहता है कि हम कुछ बोल भी नहीं करेंगे। अब बिल्कुल जो है नकार जाता है एकदम, यदि बोल दिया एक बार कि नहीं बोलना है तो नहीं बोले, बिल्कुल गड़बड़ बात है कि नहीं। हाँ बताइए, इस तरह का होना चाहिए क्या? नहीं है ना। नो नो नो। तो हम लोग देखिए बिल्कुल जो है मतलब अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे जो है बगीचे में है एकदम। डेली हम लोग का जो है कम से कम आधा एक घंटा करके यहाँ पे थोड़ा सा जो है आते हैं, जो शुद्ध हवा है हम लोग जो है उसे लेते हैं, बहुत ही मजा आता है। क्या कुणाल सर? यस 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 यस। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का ये बिल्कुल आप कह सकते हैं नेचुरल हॉस्पिटल ये है, जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से आप कोरोना काल में देख सकते हैं कि बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से जो ऑक्सीजन मरीजों को चढ़ाया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर अगर आ जाते हैं, गांव में अगर आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल नेचुरल ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा। ऑक्सीजन लेवल तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 98-99 तो नेचुरल रूप से आपको मिल ही जाएगा। अरे ऑक्सीजन कम भी नहीं करेगा, पहला नंबर है ना, यहाँ कमता ही नहीं है लोग है ना। देखिए कोरोना हुआ, हम लोग गांव में हैं, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है कि भगवान कृपा से सब ठीक ठाक भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है गांव में थोड़ा सा इसे थोड़ा सा जो वातावरण होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, शुद्ध हवा मिलती है तो कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो मेरा दोस्त है कुछ शायद बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है थोड़ा सा हम। हाँ, क्या बोल रहे हो? कहाँ कुछ बोल रहे, बोलो कुछ तो बोलो। हम सुतल है, बोलेंगे क्या? कह रहा है कि हम सुतल हैं और गांव में मतलब हम लोग अपने गांव में भी हैं, बहुत ही मजा आता है एकदम रियली जो है ना, मतलब थोड़ा सा जो है जो शहरी जो जिंदगी है उससे थोड़ा सा जो है दूर हम लोग जो है जो गांव की जो जिंदगी है, और अभी फायदेमंद भी जो यहाँ का जो वातावरण है वही है। ठीक है, तो काफी मजा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ जो हमारे जो इन्हें आप जानते होंगे जो कुणाल सर हैं, मतलब जो है लगातार जो है फोटो शूट अपना जो है हम कर रहे हैं कि बहुत ही मतलब जो है अच्छा लग रहा है। तो क्या लग रहा है एकदम फोटो अच्छा? हाँ, फोटो आ रहा है, बहुत सुंदर फोटो आ रहा है, मतलब बढ़िया बढ़िया फोटो आ रहा है ना। हाँ हाँ, बढ़िया फोटो आ रहा है। वाह। हाँ, और यहाँ पे देखिए जो हमारा जो दोस्त है बोल रहा है कि खेसारी लाल यादव को जो है ना यहाँ पे जो है बुलाना पड़ेगा क्या शूटिंग करने के लिए। ठीक है, और वाकई में अच्छा है दृश्य, काफी अच्छा है। अगल बगल जो है और बहुत सारे बगीचे वगैरह जो है लग रहे हैं। ठीक है, तो लगातार मतलब हर साल कम से कम 10-15 बगीचा जो है यहाँ पे लग रहा है। पहले इतना क्रेज हमारे यहाँ इस गांव में बगीचे का नहीं था, लेकिन जैसे हमारे इस दोस्त ने बगीचे लगाना शुरू किया, मतलब देखा देखी, मतलब जो है कतान की देखा देखी, धर्म देखा देखी पाप, वही वाले काम है। मतलब बहुत सारे लोग अब यहाँ पे लगा भी रहे हैं। क्या सर, क्या लग रहा है मतलब जो बगीचा है दो चार साल में क्या कैसा यहाँ? दो चार साल में लगभग जो हमारे गांव की स्थिति है उस स्थिति में लगभग देखिए अभी तक जो है 100 पेड़ से ज्यादा लग चुका है। न्यू जनरेशन का जो पेड़ है, इससे पहले भी बहुत सारे पेड़ पुराने पेड़ है, लेकिन न्यू अपडेट जो आप कह सकते हैं नया पेड़ वो लगभग 100 पेड़ है, और आने वाले दो चार साल में लगभग 500 से अधिक पेड़ लगने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह से लोग का मूवमेंट है और जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि जो है आम खा रहे हैं, तो देखकर उनको भी लगता है कि नहीं भाई लगाना चाहिए ताकि जो है हम लोग भी खाएं। और एक चीज और यहाँ है थोड़ा सा, जो आम का चोरी भी बहुत होता है। पिछले साल क्या हुआ था, मेरे दोस्त जो है ना आप जो पीछे जो गाछ देख रहे हैं सारा आम जो है गाछ का तोड़ लिया था, लेकिन फिर भी देखिए अब क्या है चौकी डाल दिया यहीं पर, क्या आना जिसको आना है आ जाओ। सही बात है, इसका कहना है करी ठीक है, आम खाना है तो मांग के खा लो। हाँ, मांग के खाइए, आप चोरी मत कीजिए। और ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आप अगर चोरी करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है,
आप मांग सकते हैं या फिर है ना, आप आइए आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ऐसे अगर देखिए बहुत ज्यादा बगीचा हो जाता है तो है कि अगर कुछ 19-20 हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी लिमिट मात्रा में है। इसलिए हमारे जो किसान है यहाँ के मैंगोज फार्मर ये सोच रहे हैं कि भाई जो है कि अभी ज्यादा है नहीं, इसलिए कर थोड़ा सा चोर पर खासे नियंत्रण रखते हैं। और ऐसी बात नहीं है, और जो है जो चोर लोग जो है आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उन्हें भी प्रेरित इन्होंने किया है और उनका बगीचा भी इन्होंने लगवा दिया है। कल देखिए कल इनका तार था, कल काल तार था और मॉर्निंग में मतलब 6-7 आप कह सकते हैं कि वो हम लोग बगीचा में बैठे हुए थे, हम लोग बगीचा में बैठे थे और वो आप कह सकते हैं कि आगे चलकर वो अपराधी वारदात तो दे सकते हैं, इस तरह के घटना को वो और भी आगे ले जा सकते अंजाम दे सकते हैं। और कल हमारे सामने ही इनके तार जो जिससे कोबा निकलता है वो तार काट लिया गया और फिर उस पर तुरंत कार्रवाई की गई, और कार्रवाई की गई तो सारे जो फल थे फ्रूट थे उनको बरामद किया गया। चोर को चोर भी कबूलनामा किया कि मैंने, तो फिर उसको बाद में समझाया गया कि भाई आप बकायदा फिर आया फिर उस तार को जो है यहाँ पे खाए हुए, देखिए उसका सबूत भी है जो तार जो कल कटा था सबूत भी है, देखिए नीचे जो है बिल्कुल अभी है भी। तो आज भाई देखो देखिए उन लोग को शिक्षा दिया था कि आज आप तार, कल वो मालिक बोल रहे थे कि तुम हो सकता है तार तुम मेरा ले रहे, कल तुमको कुछ और भी तुम मांग सकता है। तो इस तरह से जो है ये होनी चाहिए कि भाई आप जो है चोरी नहीं। और बाकी जो चीजें हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर और दिखाऊंगा कुछ मौज मस्ती कुणाल सर के साथ अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।